एक प्रश्न है, काफिर का क्या अर्थ है? भाइयों और बहनों, कुरान के बारे में और फिर कुछ इस्लामी जो टर्म्स हैं, परिभाषाओं के बारे में बड़ी भ्रांतियाँ हैं। उन्हीं में से काफिर भी ये है। ये शब्द कुरान में आया है, काफिर। काफिर शब्द में अरबी भाषा में ये कहा जाता है, इसका अर्थ होता है किसी चीज़ को छुपाना, पर्दा डालना और किसी चीज़ का इनकार करना। इसका इतना ही अर्थ होता है। इसमें किसी किस्म की, किसी प्रकार की हीन भावना या गाली या कोई बुराई इसमें नहीं है। ये भ्रांति है हमारे बहुत सारे भाइयों ने, मुसलमानों ने भी इसको समझाया नहीं, कि काफिर कहने से ये गाली की तरह प्रकार है। ऐसा कुछ नहीं है। मानने वाले और न मानने वाले दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। मानने वालों को ईमान वाले कहा गया और जो न मानने वाले हैं, इनकार करने वाले, उनके लिए जो टर्म है वो काफिर है। इसका इतना ही अर्थ है, इससे ज़्यादा आगे और कुछ नहीं है। किसान को आप देखिए, फार्मर किसान, उसे काफिर कहते हैं। क्यों? इसलिए कि वो ज़मीन को फाड़ता है अपने हल से और उसके अंदर बीज डालकर उसको ऊपर बंद कर देता है, फिर उसके बाद कोम्पिल और फिर उसके बाद वहाँ से जो गंदा हो रहा है वो होता है। तो किसान को भी काफिर कहा गया। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप। तो काफिर शब्द कोई गाली नहीं है, इसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है। अगर कोई मुसलमान वीर भावना से कह रहे हैं तो वो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। और काफिर कहकर बुलाना भी नहीं। हम तो अपने मुसलमानों के अलावा जितने भाई बहने हो सकती हैं उनके नामों से बुलाना है। काफिर कहकर किसी को बुलाना भी नहीं है, कि वो तो कुरान में इस अर्थ में उपयोग भी नहीं हुआ काफिर, कि बुलाओ इस्लाम के अलावा जो मुसलमानों के अलावा लोग हैं उनको काफिर कहकर बुलाओ, ऐसी कोई बात कुरान में है ही नहीं। बस इसके बारे में इतनी बात।